दादा श्याम पाण करे तो साजन साई संत जना के सारे काम राकस रावण मारण खातिर जय जय जग में आया राम भक्तन पर जे भीड़ परी भगवान अची थियो तिन बिसराम संत तुका की पैज राखी पाण प्रभु अडिनो अची आराम करना चिंता चित में नूरी दिन रात तू गाए इक राम नाम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध राम नाम ज्ञान गाम बुद्ध जाग दीद यार नूरी गोबिंद गाए मनान दिल में पाए दीदार राम नाम तीर्थ स्नान वही जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13 वैर भाव खांचो रहे थो परे आई सबने चो मित्र अभिमान ममता बिना किम्यावान दयालु रहे जो सदा संतोषी आई सुख में आई दुख में आहे जो समान यतन में रतन जो रहे थो पके निश्य वारो मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो जिजे की न कहीं खान कहीं खेज जा रे चिंता खुशी अकान यारो हसद नाह चाहे न कि क्रोध को सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो चिंता बिना जो करे थो सुधारो फल जी इच्छा सब पिछी जो करे सोई भक्त में जो प्यारो
तोई भक्त मैं जो प्यारो। बिना हर्ष आई द्वेष त्यागे थो जो भलो आई बुरो, चिंता रहित जो न उमेदू अरे सोई भक्त मैं जो प्यारो, सोई भक्त मैं जो प्यारो। शत्रु मित्र ईमान अपमान छज घर में आई सुख दुख सबन में समाभाव रखे छो, रहे राजी सबते निंदा स्थिति में सागी रीत हले छो। धन नजर मिलकत बिना शांति को अस्थिर चित्त वारो, सबर में रहे जो सोई भक्त मैं जो प्यारो, सबर में रहे जो सोई भक्त मैं जो प्यारो। अमृत रूपी ही ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो, वछे शरण में थी सोई भक्त मैं जो प्यारो, सोई भक्त मैं जो प्यारो। अमृत रूपी ही ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो, वछे शरण में थी सोई भक्त मैं जो प्यारो, सोई भक्त मैं जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो बारो अध्याय पूरो थियो। नूरी ग्रंथ पेज 892। गाते चलो। हरि गोबिंद गोपाल सद सद है दयाल, गाते चलो गाते चलो। काम करते रहो राम जपते रहो, राम की ये प्यारा प्रेम आंसू की धारा बहाते चलो। हरि गोबिंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो नहीं दुख में भूलो नहीं, नाम का खजाना नवतन पुराना बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। हरि गोबिंद गोपाल गाते चलो, हरि गोबिंद गोपाल गाते चलो। ओम जय 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 जगदीश हरे, जय 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 जगदीश हरे। ओम जय 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 जगदीश हरे, जय 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 जगदीश।
छत पर दे लात लवन था पंखी द्विजा प्यारा संध्या काले थी मत वाले काइन सो हस तारा ओम जय 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 जगदीश हरे ओम जय 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 जगदीश हरे गंगा जमुना सिंधु सागर नदियों पहारा गड़ जी काइन दोखे निर्मल जगदीश हरे ओम जय 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 जगदीश हरे ओम जय 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 जगदीश हरे ओम जय 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 जगदीश हरे पुष्प चिमन में चीप्या चिमकन गायन गुल गुलाबी तोखे आहिन द्विचार बाबी ओम जय 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 जगदीश हरे 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 गढ़ जीतिन साही अनमाणी नाम तुझो थी गाए इतनी सभागे दादल साई अची अंजली तोखे पाए ओम जय 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 जगदीश हरे 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 ओम जय 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 जगदीश हरे। Thank you.
तू की पुकारिया दादा एक तू लाई निहारिया
राधा रमण राधा
Gopala, Hari Gopala.
हरि गोविंदा गोपाला हरि गोपाला गोविंदा 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 हरि गोविंदा लक्ष्मी रमणा गोविंदा 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 नारायण 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 वनमाली राधा रमणा गिरधारी गोविंदा हरे कृष्णा हरे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। समय समय पर सिंध की पावन भूमि पर कई संत महापुरुष दरवेश योगी तपस्वियों ने जन्म लिया है, इसलिए आज मैंने सोचा सिंध में जन्मे एक फकीर के जीवन के बारे में आपको बताऊं। जीवन को संवारने के लिए जरूरी है कि हम संतों महापुरुषों के जीवन चरित्र का अभ्यास करें और उनकी शिक्षा की साक्षी अपने जीवन में देने की कोशिश करें। आज मैंने अपने दिल में बार बार सिंध के रूहल फकीर का ध्यान किया है। देखकर सूरत उनकी हो उन पर तू कुर्बान, बुखारा बल्ख कश्मीरा सिंध ये हिंदुस्तान, पालो नूरी पद निर्वाण जाकर दीदार करो उन योगियों का। मेरे प्रिय जनों, एक एक संत सच्चे योगी की महिमा अपरंपार है। जिस समय वे हमारे साथ होते हैं उस समय हमें उनकी कदर नहीं होती, पर जब वे चले जाते हैं अपने शरीर का त्याग कर देते हैं तब हम हाथ मिलकर
रह जाते हैं कि ऐसे संत महापुरुष प्रभु के भक्त हमारे बीच थे, जो हमारे साथ उठे बैठे, अब वे चले गए। आ काश वे फिर से लौट आए तो हम उन पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें, उन पर सब कुछ कुर्बान कर दें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे ही थे रूहुल फकीर। 1730 में अमरकोट के एक जिले में उनका जन्म हुआ। वे सीधे सादे सरल निर्बल इंसान थे। उनका कंठ चक्र खुला था जिसे मधुर वाणी निकलती थी। आज तक वह वाणी बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से पढ़ी जाती है। उनके बारे में सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है। एक मध्यम परिवार में उनका जन्म हुआ। समय के साथ वे बड़े होने लगे। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन दिनों सिंध में कलोरों का राज्य था। उन्होंने कलोरों के यहाँ एक ऊंची पद पर नौकरी की। वे अपना हर काम बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से करते थे। जिन लोगों के पास वे काम करते थे, वे लोग उन पर बहुत विश्वास करते थे। प्रति वर्ष कलोरे एक बड़ा उत्सव मनाते थे और उस उत्सव में वे भिन्न भिन्न प्रकार के इनाम बांटते थे। कार्यकर्ताओं को उनके अच्छे काम के लिए इनाम देकर सम्मानित किया जाता था। हर वर्ष रूहुल को भी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने के लिए इनाम मिलता था। इनाम पाकर वे बहुत खुश होते थे। इस विचार से कि उनके मालिक उनके काम से बहुत खुश हैं। इस तरह कड़ी मेहनत कर उन्होंने कलोरों का दिल जीत लिया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर एक दिन क्या होता है देखो। एक छोटी सी बात हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि हम में से हर एक जीव के भीतर एक चेतना है जो सोई हुई है। वह सोई हुई चेतना अगर जाग जाए तो फिर हम क्या नहीं कर सकते। विद इन ईच वन ऑफ अस इज दिस हिडन सोल। आ इफ ओनली दिस हिडन सोल विल अवेक, व्हाट मे वी नॉट अचीव। हम में से हर एक इंसान के भीतर चेतना सोई हुई है, सिर्फ उस चेतना को जगाने की देर है। किसी किसी की चेतना तो एक साधारण सी घटना से जाग जाती है। देखिए इस योगी की सोई हुई चेतना किस तरह से जागती है। उनका एक रिश्तेदार एक दिन अपने पुत्र से कहता है, यह सुंदर कीमती शॉल मैं अपनी अलमारी में संभाल कर रखता हूँ। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो तुम मेरे शरीर को इस शॉल में लपेट कर दफन करना। तब पुत्र कहता है, पिताजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आप चिंता क्यों करते हो। अगर आपको बुलावा आ भी गया तो आपके शब्द सिर आंखों पर, मैं आपके शरीर को इस शॉल में लपेट कर दफन करूंगा। कुछ दिनों बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। उस समय रूहुल भी वहां आते हैं। अभी तक वे फकीर नहीं बने थे, वे कलोरों के यहाँ नौकरी करते थे। रूहुल अपने रिश्तेदार की मौत पर शोक मनाने आते हैं और देखते हैं कि पुत्र लोभ में आकर कहता है, पिता को तो धरती में दफन होना है, फिर मैं यह कीमती शॉल क्यों व्यर्थ गवाऊं। उसको अलग से रख देता है, अपने पिता के शरीर को उस शॉल में नहीं लपेटता, बल्कि एक सफेद चादर से उसके शरीर को लपेट कर दफना देता है। यह देखकर
रूहल की सोई हुई चेतना जाग जाती है। वह मन ही मन कहता है, ये संसार क्या है, यह दुनिया क्या है, जिस पिता ने अपने पुत्र की खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया, जिसने पुत्र को जन्म दिया, उसे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, जिस पुत्र की पिता ने अच्छी तरह देखभाल कर उसे बड़ा किया, आज वही पुत्र अपने पिता को एक शाल भी देने को तैयार नहीं है। इस संसार का दूसरा नाम है बेवफाई। उनके मन को इतनी ठेस लगती है कि वे कहते हैं, अब इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, अब तो मैं उससे संबंध जोड़ूंगा जो कभी किसी को नहीं छोड़ता। संसार सारा रहने का सपना, संगी साथी ना कोई अपना। जनों वे कहते हैं, हे भगवान, मैं तुम्हारे पास आऊंगा कल औरों की नौकरी को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर, मेरे प्रभु मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगले ही दिन वे अपना इस्तीफा लेकर कलोरे के पास आते हैं। कलोरा इस्तीफा देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, रूहल मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना कैसे अपना कारोबार संभाल पाऊंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो, तुम्हें प्रमोशन चाहिए, तुम्हें ज्यादा वेतन चाहिए, मैं वो सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूं, पर तुम यह काम छोड़कर मत जाओ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह सब मैं देने को तैयार हूं। इस पर रूहल कहते हैं, स्वामी मुझे प्रमोशन या अधिक वेतन पाने की इच्छा नहीं है, बल्कि मेरे दिल में उस परम खजाने को पाने की इच्छा है। एक बार अगर यह परम खजाना किसी को मिल जाए तो वह सदा भरपूर रहता है, फिर उसे अन्य किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती है, ना ही उसे फिर भूख और प्यास सताती है। He is complete in himself. वह खजाना अगर आप मुझे दे दें तो मैं आपके पास रहने को तैयार हूं। इस पर वह कलोरा कहता है, रूहल मेरे प्रिय,
यह खजाना तो मेरे पास नहीं है, अगर तुम्हें यह खजाना मिल जाए तो उसमें से कुछ हिस्सा मुझे जरूर आकर देना। कलोड़ा उसे खुशी खुशी विदा करता है। वह कहता है, रूहल तुम खुशी से अपनी तलाश में निकलो, प्रभु की तुझ पर असीम कृपा हो। अब रूहल तलाश में निकलते हैं। बहुत भटकने के बाद आखिर उन्हें एक सच्चे फकीर मिलते हैं जिनका नाम था शाह इनायत। रूहल जाकर उनके चरण पकड़ते हैं और उसे अपना गुरु मान लेते हैं। शाह इनायत उन्हें शिष्य नहीं कहते, किंतु रूहल ने उन्हें गुरु मान लिया था। फिर वे अपने गुरु की खूब सेवा करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। शाह इनायत जो कुछ भी उन्हें कहते, वे कहते, हाजिर हूं हजूर। ठाकुर तुम दर पर मैं लागूं, एक सेवा धन मैं मांगूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहते हैं आज्ञा और सेवा द्वारा पत्थर दिल भी पिघलकर मोम बन जाता है। आज्ञा और सेवा द्वारा रूहल अपने गुरु के दिल में स्थान बना लेते हैं। 25 वर्षों तक वे अपने गुरु की सेवा करते हैं। 25 वर्षों तक वे लगातार साधना करते हैं। वे रात को जाग जाकर अपने राम को रिझाते हैं, आंखों से आंसू बहाकर राम को रिझाते हैं। प्रभु को पुकारते हुए वे प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु कब तुम मुझे मिलोगे। मौसम आई मौसम गई, पर तुम न आए मेरे प्रियतम। कब तक, कितना समय तुम मुझे अपने से दूर रखोगे। मेरे प्रियजनों, क्या आप जानते हैं कि रात को नींद ना आ जाए इसलिए वे क्या करते थे? अपनी खटिया ले जाकर गंदे पानी के खड्डे में डाल देते थे। ऐसा खड्डा जिसमें कई दिनों का पानी जमा रहता और उस पानी से बहुत बदबू आती थी। गंदे पानी और बदबू के कारण पानी में कई मच्छर पैदा हो गए। रूहल अपनी खटिया उस गंदे पानी के खड्डे में क्यों डाल देते? वे खड्डे में खटिया इस लिए डाल देते ताकि तालाब के मच्छर उस खटिया से चिपक जाएं और रात को उसे सोने न दें। इस तरह रात को जाग जाग कर वे अपने महबूब को प्यास में पुकारते रहते थे। दिल में दिल भर है एक ही प्यास, दीदार दे दे ना कर तू निराश। दिल में दिल भर है एक ही प्यास, दिल में दिल भर है एक ही प्यास,
दीदार दे देना कर तू निराश, दीदार दे देना कर तू निराश। दिल में दिल भर है एक ही प्यास, पहाड़ों पे चढ़ कर मैंने पुकारा, नदियों के तट पर मैंने निहारा। पहाड़ों पे चढ़ कर मैंने पुकारा, नदियों के तट पर मैंने निहारा, मैंने निहारा। दिल में दिल भर है एक ही प्यास, दिल में दिल भर है एक ही प्यास। गुफाओं के अंदर समाधि में रह कर तुझे ही मैं ढूंढा, तेरा ध्यान धर कर। गुफाओं के अंदर समाधि में रह कर तुझे ही मैं ढूंढा, तेरा ध्यान धर कर, तेरा ध्यान धर कर। दिल में दिल भर है एक ही प्यास, दिल में दिल भर है एक ही प्यास। दीदार दे देना कर तू निराश, दीदार दे देना कर तू निराश। दिल में दिल भर है एक ही प्यास, दिल में दिल भर है एक ही प्यास। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 25 वर्षों के बाद एक दिन शाह इनायत उन्हें अपने पास बुलाते हैं और अपने गले से लगाते हुए कहते हैं, तुझ में मुझ में भेद ना कोई। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, अब तुझ में और मुझ में कोई भी भेद नहीं रहा, जो मैं हूं वही तुम हो। अब तुम जाओ और प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाओ। तुम जाओ और जहां पर सहज ही तुम्हें रुकना पड़े वहीं पर तुम अपना डेरा लगाना। वे अपने गुरु के चरण चूमकर उनका आशीर्वाद लेकर इस शुभ कार्य को करने के लिए निकल पड़े। उनका कंठ चक्र खुला था, वे प्रभु की महिमा के गीत गाते, उनके ध्यान में अपनी ही मस्ती में आगे बढ़ते रहे। चलते चलते उनका चोगा एक कांटों की झाड़ियों में फंस जाता है। उन्हें गुरु के कहे शब्द याद आ जाते हैं कि जहां पर तुम्हें सहज ही रुकना पड़े वहीं पर तुम अपना डेरा लगाना। इसलिए वे वहीं उस स्थान पर अपना डेरा लगाते हैं। वे अपने लिए एक कुटिया बनाकर वहीं रहने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फकीर कोई साधारण इंसान तो होते नहीं, उनमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है और वे प्यासी लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भाग्यशाली हैं वे लोग जो संतों महापुरुषों के चरणों में खिंचे चले आते हैं। पहले संत रूहल अकेले रहते थे, पर अब धीरे धीरे लोग भी वहां आकर अपने घर बनाकर रहने लगे और देखते ही देखते उस स्थान पर एक छोटा सा गांव बन जाता है। फिर उस गांव का नाम कंदरी रखा जाता है, क्योंकि कांटों की झाड़ियों में फकीर का चोगा अटकने के कारण रूहल फकीर उस स्थान पर रुक गए और वहां एक गांव बस गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस फकीर, इस संत, इस जोगी ने कई शिक्षाएं दी, किंतु आज मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं उनके बारे में आपको विस्तार में बता सकूं। पर एक बात पर वे बहुत जोर देते थे, वो यह कि जात पात के भेदभाव से तुम दूर रहो, तुम सब एक हो, तुझ में मुझ में भेद न कोई। चिल्ड्रन ऑफ द अर्थ, ये ऑल आर वन।
ये जात पांत का भेद क्यों? जात पांत का भेद रखना नहीं चाहिए। लोग रूहल फकीर से पूछते थे, आप हिंदू हैं या मुसलमान, आपकी जात क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में वे एक गीत गाते हैं जिस गीत के शब्द बहुत कठिन हैं, किंतु मैंने उसे अपने सरल शब्दों में कुछ इस तरह डाला है। रूहल की जात ना कोई, रूहल तो गाए एक सुर इलाही। वे तो एक ही राग इलाही राग गा रहे हैं जिसमें सब नदियां समा जाती हैं। इलाही राग का स्वर एक ही था, इलाहू इलाहू इलाहू। यह गीत गाते गाते वे इतनी मस्ती में आ जाते हैं कि अपने शरीर की सुध-बुध खो बैठते हैं और उनकी चेतन धारा प्रभु से जा मिलती है। तब देखिए उनके मुख से कौन से शब्द निकलते हैं। पहले वे गा रहे थे इलाहू इलाहू, अब वे गाने लगे अल अल्लाहू अल अल्लाहू अल अल्लाहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये संत महापुरुष कितनी ऊंची मंजिल पर पहुंच जाते हैं, परंतु उस मंजिल पर पहुंचने के लिए उन्हें किन अनुभव से गुजरना पड़ता है। आइए आज हम सब इस योगी के चरणों में सिर झुकाएं और हम भी थोड़ी बहुत कोशिश करें अपने प्रियतम को पाने की। अक्सर रात हम नींद में सोकर बिताते हैं, रात तो हमें जागने के लिए मिली है। काश रात को कुछ समय जागकर अपने प्रियतम को पुकारें, अपने राम को रिझाएं। हमें राम को रिझाना है, इसलिए प्यास से प्रेम से, नॉट इन अ मैकेनिकल वे। दिस मैकेनिकल अटरेंस ऑफ द नेम डिवाइन डज नॉट हेल्प अस मच। प्यास से, तरप से, दिल की गहराई से, इश्क से प्रभु को पुकारें। ऐसे पुकारें जैसे एक बालक जो अपनी मां से बिछड़ कर पुकारता है, मां तुम कहां हो कहां हो। रात को जागकर प्रभु को पुकारें, दिन में दूसरों की सहायता करें, जरूरतमंदों की सेवा करें, दुखी दरिद्रों दीनहीनों और पशु पक्षियों की सेवा करें और अपना जीवन सफल करें सफल करें सफल करें। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ सब काम हो रहा है।